नमस्कार होमगार्ड भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। होमगार्ड जवानों को मिलेगा 800 रुपये दैनिक भत्ता, ईपीएफ की भी सुविधा मिलेगी, दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 15 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, 12,000 स्वयंसेवी होंगे लाभान्वित, वित्त विभाग में पहुंची फाइल। दोस्तों, इसके बारे में जो अपडेट है आगे वीडियो में सारी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर होमगार्ड जवानों से जुड़ी जब भी कोई वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज के उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, होमगार्ड्स को 800 रुपये भत्ता, ईपीएफ की भी सुविधा मिलेगी, 12,000 स्वयंसेवी होंगे लाभान्वित, वित्त विभाग में पहुंची फाइल। दोस्तों, यह जो अपडेट है हरियाणा के चंडीगढ़ से निकल कर आ रही है। हरियाणा के 12,000 होमगार्ड्स को अब 800 रुपये प्रशिक्षण भत्ता मिलेगा, जल्दी ईपीएफ भी जमा होने लगेगा। गृह विभाग से होते हुए दोनों फाइलें मंजूरी के लिए वित्त विभाग में पहुंच चुकी हैं। गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने होमगार्ड की मृत्यु पर परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद शुरुआत कैतल से कर दी है। दो कर्मियों के आश्रित को बीते महीने योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में अभी तक होमगार्ड्स को 300 रुपये प्रशिक्षण भत्ता मिलता था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन के मानदेय की राशि कट जाती थी। वित्तीय नुकसान के कारण कर्मचारी प्रशिक्षण में हिस्सा लेने से मना कर देते थे। इसे देखते हुए विभाग ने सरकार को प्रशिक्षण भत्ता 300 से बढ़ाकर के 800 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे गृह मंत्री और गृह सचिव की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 50-50% सरकार और होमगार्ड्स के अनुपात में ईपीएफ जमा करने का प्रस्ताव भी वित्त विभाग में पहुँच गया है। भत्ता बढ़ाने में कोई पैच नहीं है। ईपीएफ के वित्तीय बोझ को लेकर उच्च अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। नई पेंशन योजना का विकल्प भी खुला है। ईपीएफ के साथ ही होमगार्ड्स के लिए नई पेंशन योजना का भी विकल्प खुला है। ईपीएफ कटौती के साथ ही स्वयंसेवी नई पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग पूरे प्रदेश में होमगार्ड्स के बीच इसे लेकर सहमत बनाने का प्रयास कर चुका है। 90 से 95% कर्मियों ने हामी भरी है। उच्च अधिकारियों का विशेष जोर इस समय ईपीएफ सुविधा पर कराने पर है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो हरियाणा के होमगार्ड जवान हैं, अभी तक इनको प्रशिक्षण भत्ता के रूप में 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत से होमगार्ड के जवान जो हैं प्रशिक्षण में नहीं जाते थे, इसीलिए दोस्तों यहां पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण भत्ता 300 से बढ़ाकर के 800 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है और जल्दी ईपीएफ भी इनकी कटौती होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई होमगार्ड का जवान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस जवान के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और नई पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर 800 रुपये दैनिक भत्ता जो है होमगार्ड जवानों को दिया जाता है, ईपीएफ की सुविधा होमगार्ड जवानों को दी जाती है, तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं जो होमगार्ड जवानों को दी जाती हैं वो पीआरडी जवानों के क्यों नहीं दी जाएं? क्योंकि दोस्तों, होमगार्ड के जवान और पीआरडी के जवानों द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उनके काम में समानता है, बिल्कुल समान कार्य हैं। जो एक पीआरडी का जवान काम करता है वही होमगार्ड का जवान काम करता है, चाहे वो थाना ड्यूटी हो, ट्रैफिक हो, या किसी अन्य विभाग की ड्यूटी हो, पुलिस चौकी की ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी हो दोस्तों, जो भी एक होमगार्ड के जवान करता है उसी प्रकार से पीआरडी जवान भी ड्यूटी करते हैं। फिर इनके मानदेय में इतना भेदभाव क्यों दोस्तों? ये सारी सुविधाएं जो एक पीआरडी के जवान को नहीं मिल रही हैं और होमगार्ड के जवान को मिल रही हैं, सारी सुविधाएँ पीआरडी जवानों को भी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे कि हमारे इस चैनल पर होमगार्ड व पीआरडी भाइयों से जुड़ी जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।